दोस्तों, आज इंसान कितना मतलबी और क्रूर हो गया है, इसका एक एग्जांपल हम अपने आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जहां आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने जानवरों की जिंदगी नर्क बना दी है। इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है और वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा है। जिस काम को भगवान ने किया उसे वो खुद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, और हाँ, बगल के घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देखिए, जहाँ इस घोड़े को बड़े प्यार से खूबसूरत घोड़ी दिखाकर बहलाया फुसलाया जा रहा है, और अब ये घोड़ा तैयार हो जाता है तो देखिए इसके साथ क्या होता है। इसे एक नकली सेडन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और देखिए किस तरह से घोड़ा हल्का हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये लालची इंसान इसके सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उससे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा तैयार किया जा सके। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, तैयार किया जा सके। सोचिए दोस्तों, जिस काम को ईश्वर ने किया, ऊपर वाले ने किया, उस काम को आज की डेट में इंसान खुद कर रहा है। आज इंसान अपने आप को भगवान समझने लग गया है और अपने से कम बुद्धि वाले जानवरों के साथ वो ये वैश्विक खेल खेल रहा है। तभी तो उन्हें वो नेचुरल चीजें नहीं करने दी जा रही। जानवरों के साथ इतना बुरा खिलवाड़ किया जा रहा है। जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन समझ तो फिर भी सब कुछ सकता है। दोस्तों, आज जानवरों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है। इसके लिए जानवरों का चुन चुन के सिलेक्शन किया जाता है। ये देखा जाता है कि किसकी ब्रीड आगे तक जाएगी, कौन सा वंश आगे तक बढ़ेगा, कौन सा घोड़ा ज्यादा ताकतवर है, उसी का सीमन इकट्ठा किया जाता है, कौन सी घोड़ी ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत है, उसी घोड़ी में सीमन डाला जाएगा। आप भी देख लीजिए, इंसान कितना गिर गया है कि जानवरों के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, जहां पर उसे आर्टिफिशियल तरीके से उकसाकर इस टेस्ट ट्यूब में अपना सीमेन इजेक्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, ये अमानवीयता नहीं तो और क्या है। चाहे कुछ भी हो, इंसान तो उसे किसी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ घोड़ों के साथ ही नहीं किया जाता, बल्कि जरा देखिए इस घोड़ी को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस घोड़ी को आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन की मदद से ब्रीड किया जा रहा है। उसके यूट्रस में सीमन डाला जा रहा है, यानी कि इस तरह से इंसान ने घोड़ों की प्रजनन क्रिया पर पूरी तरह से लगाम लगा कर रख दी है। वहीं आप किसी के वंश को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, मतलब उसी वंश को आप बढ़ाते हैं जो वंश या ब्रीड आपकी पसंद का होता है। यानी कि अगर कोई कमजोर घोड़ा हुआ तो उसका वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, यानी घोड़ी उसी को मिलेगी जिसका सीमन स्ट्रांग होगा। और साथ ही साथ ये भी समस्या है कि हर घोड़ी को प्रेग्नेंट होने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से कैसे आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है वो आपने देख ही लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग मानवता को तार तार कर रहे हैं। जानवरों का डोमेस्टिकेशन, यानी जानवरों को पालतू बनाने की जो परंपरा आदि काल से शुरू हुई थी, उसका इस तरह से उपयोग करना सच में शर्मनाक है। असल में हम आका बन गए हैं इन जानवरों के, यानी कि एक तरह से हमने खुद भगवान भगवान खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सिर्फ घोड़ों और घोड़ियों के साथ ही नहीं होता, बल्कि ये काम दूसरे जानवरों के साथ भी होता है। गायों के लिए ऊंचे नस्ल के बुल्स को चुना जाता है, जिससे कि ऊंची नस्ल की गायों को इम्प्रेग्नेंट किया जा सके। उनका सीमन कलेक्ट करके बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। अरे, इनकी तो बात ही क्या करनी, यहाँ तक कि ये लोग कुत्तों तक को नहीं छोड़ते और उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं। इसके लिए शक्तिशाली और ताकतवर कुत्तों का चुनाव होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर इस कुतिया को दिखाकर किस तरह से कुत्ते को ललचाया जा रहा है, और उसके बाद एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में उसका सीमन निकाल लिया जा रहा है। सच में कितना ज्यादा अमानवीयकृत है ये। कोई अपने पालतू जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे नेचुरल प्रोसेस से जाने के बजाय किस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से उसके साथ इंसेमिनेशन करवा कर एक बच्चा पैदा कराया जा रहा है। ये कहां तक सही है समझ नहीं आता, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम ऐसे लगता है जैसे कि घर में नहीं फैक्ट्री में किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानों ने जानवरों का कारखाना बना डाला है, जहां इस तरह का घिनौना काम किया जा रहा है। ये लोग जानवरों के साथ जितना गलत कर रहे हैं, उसका अंदाज
अंदाजा शायद इन लोगों को दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अच्छे अच्छे कुत्ते और कुतियों के बीच संभोग कराने के लिए बड़े बड़े क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं, महंगे महंगे डॉक्टर्स हायर किए जा रहे हैं और उन्हें लंबी लंबी फीस दी जा रही है और ये करवाया जा रहा है। सच में जानवरों के साथ काफी गलत हो रहा है। इन लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि प्रकृति हर हाल में और हर चीज का हिसाब रखती है, जिसका जवाब ऐसे लोगों को देना ही पड़ता है। वैसे जवाब तो ये लोग दे ही रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में जो महिलाएं या फिर जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती या फिर शादी करने के लिए समय बीत जाता है और उन्हें सही लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है, और ये कल्चर बड़े शहर या मेट्रो शहर में ही नहीं बल्कि आजकल गांव या फिर कस्बों में भी ये फैशन बन गया है, जहां पर लड़कियां जो थोड़ी पढ़ लिख जाती हैं, कहीं कुछ बन जाती हैं, तो वो शादी करने के लिए आनाकानी करती हैं। डॉक्टर ऐसे में सलाह देते हैं कि जल्दी शादी कर लीजिए, वरना 30 के बाद आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो पता है ऐसी महिलाएं क्या करती हैं? दोस्तों, अपने एग्स प्रिजर्व करना शुरू कर देती हैं, यानी कि जिस उम्र में महिला के यूट्रस में एग्स बनते हैं उस समय ये अपने अंडाणु को प्रिजर्व करा रही होती हैं, फ्रिज करवा रही होती हैं, और उसके बाद जब उनका मन करेगा, समझ गए ना, जब इनका मन करेगा माँ बनने का, मतलब अगर ऐसा हुआ तो, यानी कि अगर उनकी माँ बनने की चाहत हुई तो, वरना आजकल तो लड़कियां माँ बनना ही नहीं चाहती, तब ये जाकर फ्रीजर से अपने एक्स निकलवा कर टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करवाएंगे। ये सभ्यता है आज के समाज की, जहां सब कुछ आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है। आप चाहे मेट्रो सिटीज में रहते हो या फिर किसी भी कस्बे में, आजकल आपको IVF के बड़े बड़े बोर्ड हर तरफ नजर आएंगे, यानी कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने के बोर्ड आपको नजर आएंगे। लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख खर्च करिए और आप टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का सेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ भी जो आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, इससे हम सबका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, आपको पता है ये सारा तामझाम जानवरों के साथ क्यों किया जा रहा है, क्यों जानवरों को सताया जा रहा है? इसका रीजन है ग्रीन मंकी जैसे घोड़े की नस्ल तैयार करना। आपको बता दें कि नाम भले ही ग्रीन मंकी हो, लेकिन ये घोड़े की नस्ल है और इस घोड़े की कीमत 100 करोड़ के पार है और इसके सीमन के लिए लंबी लंबी लाइंस लगती हैं। लोग हर हाल में इसके सीमन को इकट्ठा करने के पीछे पड़े रहते हैं। अगर इन्हें सीमन मिल जाए तो वो अपनी घोड़ी को इस सीमन से इम्प्रेग्नेंट करके इसी नस्ल का घोड़ा पैदा करवा सकते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके। दोस्तों, प्रकृति के नियमों के साथ इस कदर छेड़छाड़ हो रही है कि उसे बयां करना मुश्किल है। इंसानों ने तो इस ब्रीडिंग प्रोसेस से घोड़ा भी तैयार कर लिया है, और आधा जेब्रा और आधा घोड़ा भी, जिसे जायफ्राई नाम दिया गया है। यानी कि आज इंसान इतना ताकतवर हो गया है कि वो अपने हिसाब से प्रजातियां तैयार करने लग गया है। सिर्फ अच्छी नस्ल का घोड़ा पाने के लिए इंसान जो हरकत कर रहा है, जानवरों को नॉर्मल मेटिंग बिहेवियर से रोक रहा है। यानी कि आने वाले समय में जब डिजाइनर बेबी का चलन चलेगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी तो आ ही गया है, और जब डिजाइनर बेबी की बात होगी तो लोग शायद ये डिमांड करने लगेंगे कि ऐसे चेहरे वाला बच्चा चाहिए जो देखने में सलमान के जैसे, एक्टिंग में शाहरुख के जैसे, और बॉडी में ऋतिक के जैसे, और आवाज में अमिताभ के जैसा होना चाहिए। जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब इंसान खुद ही प्रजातियां तैयार करने लग गया है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन इस तरह का आर्टिफिशियल बच्चा भी पैदा होने लग जाए। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सबके वंश खत्म हो जाएंगे। जो पुश्तैनी चले आ रहे हैं उनका तो नामो निशान ही मिट जाएगा। दादा परदादा के जमाने के सभी वंश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सभी को अच्छे गुण चाहिए होंगे तो बुरे कहां जाएंगे? इसका असर क्या होगा ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले 100 से 150 सालों में ये साफ हो जाएगा कि मानव जाति के अंदर इम्यूनिट पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वैसे ये भी हो सकता है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो उसके लिए भी लोग ना जाने कितने तरीके के टूल्स हमारी बॉडी में लगाकर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यानी कि आज के इंसान के लिए और आगे आने वाले समय में उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।